वेलकम टू द पेज ऑफ ट्रॉलिंग किचन। आज हम कोडो मिलेट रवा का यूज करके बनाएंगे रवा लड्डू। तो उसके लिए सबसे पहले हम एक चाशनी रेडी करेंगे, जिसके लिए कि एक पैन में हाफ कप सल्फरलेस शुगर लेंगे, 1/4 कप वाटर और 2 इलायची डालकर इसे बॉईल होने रख देंगे। आप यहाँ पर जगरी का यूज भी कर सकते हैं। एक कढ़ाई में 1/4 कप देसी घी लेंगे और इसमें चॉप्ड नट्स ऐड करेंगे। नट्स आप अपनी मर्जी के क्वांटिटी भी आप अपनी मर्जी की ले सकते हैं। और इनके रोस्ट होते ही हम इसे निकाल लेंगे। इसी में हम ऐड करेंगे 1/2 कप रवा और इसे स्लो फ्लेम पर कुक करेंगे, जब तक कि ये इसका रॉ स्मेल नहीं चला जाए। 5 मिनट के बाद मैंने 2 टेबलस्पून डेसिकेटेड कोकोनट ऐड किया है, जो कि ऑप्शनल है, आप स्किप भी कर सकते हो। टोटल मुझे 10 मिनट लगे थे रवा को रोस्ट करने में। और उसके बाद हम ऐड करेंगे इसमें नट्स और उसे भी मिक्स करते हुए ऐड करेंगे चाशनी और इसे स्लो फ्लेम पर कॉन्टिन्यूसली चलाते हुए 2 से 3 मिनट के लिए और कुक कर लेंगे। 2 से 3 मिनट कुक करते ही ये देखिए हमारा बैटर थिक हो गया है। हम फ्लेम को ऑफ कर देंगे और इसे कवर करके 5 मिनट के लिए छोड़ देंगे। 5 मिनट के बाद ये देखिए हमारा रवा रेडी है। अगर आप चूरमा चाहते हैं तो आप इसी तरह से सर्व कर सकते हैं, नहीं तो मेरे पास 1 चम्मच चाशनी की बची थी, मैंने वो ऐड करके मिक्स किया और इस तरह से आप इसके लड्डू बना सकते हैं। सारे लड्डू रेडी करने के बाद मैंने इसे डेसिकेटेड कोकोनट में रोल किया है, जो कि टोटली ऑप्शनल है, आप इस स्टेप को स्किप भी कर सकते हैं। और ये हमारे रवा लड्डू रेडी हैं और वो भी मिलेट्स के। तो ये थी हमारी आज की रेसिपी। अगर आपको अच्छी लगी हो तो कमेंट करके बताइएगा। मिलेंगे एक नई रेसिपी के साथ। टिल देन गुड बाय।